हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 के साथ प्रोसीड करने वाले हैं। होपफुली पहले वाले लेक्चर्स आप लोगों ने एंजॉय करे होंगे और समझा भी होगा उनको, और कोशिश करना उनके नोट्स भी फॉर्म करने की। अभी हम लोग लेक्चर नंबर 4 के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि हम देख सकते हैं, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन भी देने की कोशिश करूंगा इसमें कूलम्स लॉ की। तो विल ऑल्सो टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू कूलम्स लॉ। पूरा नहीं हो पाएगा लेकिन इंट्रोडक्शन जरूर देंगे। तो अभी इसके आगे चलते हैं। हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 3 में बात की थी, या जो हम पहले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं समराइज़ करना चाहूँगा क्योंकि वो आज इस्तेमाल होने वाला है हमारा। हमने वेज ऑफ चार्जिंग की बात करी थी, किस किस तरीके से बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं। तो पूरा डेप्थ में नहीं जाने वाला, लेकिन ऊपर ऊपर से बात कर सकते हैं। जब हमने वेज ऑफ चार्जिंग की बात करी थी, तो कई सारे तरीके थे इससे बॉडीज़ को चार्ज किया जा सकता है। जो हमने सबसे पहला केस पढ़ा था, दैट इज़ बाय डायरेक्ट चार्जिंग, राइट, सॉरी बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किस तरीके से हम लोग चार्जिंग करते हैं, कई सारे तरीके थे इसमें, कई सारे केसेस थे। तो मैंने सभी केसेस डिस्कस किए थे आपसे। सबसे पहला केस हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडीज हैं तो उनको आपस में रब करो। अगर उनको आपस में रब करोगे तो उस केस में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, और इस वजह से आपका दोनों बॉडीज एंड अप विद सम चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। दोनों पे बराबर चार्ज आएगा, लेकिन इक्वल होगा लेकिन ऑपोजिट होगा। दैट इज व्हेन वी रब देम, जब दोनों न्यूट्रल होंगे तब। लेकिन इसके अलावा एक केस और था हमारे पास, दैट इज अ न्यूट्रल बॉडी इज ब्रॉट टू कॉन्टैक्ट विद अ चार्ज बॉडी। अगर एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, तो अगर न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी से कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो उस केस हम जानते हैं जो चार्ज बॉडी है वो चार्ज बॉडी से आपका चार्ज ट्रांसफर होके न्यूट्रल बॉडी के पास चला जाएगा। एंड इफ बोथ द बॉडीज आर आइडेंटिकल, तो उस केस में जो दोनों पे फाइनल चार्ज होगा दैट इज हाफ एंड हाफ ऑफ द इनिशियल चार्ज। तो दोनों पे आधा आधा चार्ज आ जाएगा अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो। अगर बॉडीज आइडेंटिकल नहीं हैं तो उस केस में चार्ज ट्रांसफर तो होगा, लेकिन फाइनल चार्ज की वैल्यूज हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे फिलहाल। उसके लिए हमें पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना पड़ता है। और तीसरा केस था जहां पे हम दो चार्ज बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो ये इट इज नॉट एक्चुअली अ वे ऑफ चार्जिंग, लेकिन ये केस भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर दो चार्ज बॉडीज को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाए तो क्या होगा। अगेन चार्ज का ट्रांसफर होता है, लेकिन कुछ इस तरीके से कि आपका बॉडीज पे फाइनल चार्ज बराबर हो जाता है। और बराबर भी एक्चुअली हम यहाँ पे अगर आइडेंटिकल माने तो हम कह सकते हैं फाइनल चार्ज बराबर होगा और वो एवरेज होगा दोनों के चार्जेस का। तो यहां भी हम ये मान के चलते हैं कि बॉडीज हमारे आइडेंटिकल हैं। अगर आइडेंटिकल नहीं होंगी तो उस केस में किस तरीके से ट्रांसफर होगा, दैट इज अगेन विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पोटेंशियल। तो फिलहाल हम यहाँ पे इन दोनों केसेस में ज्यूम करके चल रहे हैं कि बॉडीज आइडेंटिकल होंगी, उस केस में जो फाइनल चार्ज आएगा दोनों पे बराबर बराबर आएगा। तो इसके बाद हमने एक और तरीका देखा था चार्जिंग का, ठीक, दैट इज बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हम लोग क्या करते थे, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हम लोग दो बॉडीज को, जिसमें से एक हमारा न्यूट्रल होता था और दूसरा हमारा चार्ज होता था, उनको एक कंडक्टर के जरिए कॉन्टैक्ट में ले आते थे। और यहाँ पे चार्ज बॉडी से आपका चार्ज ट्रांसफर होता था न्यूट्रल बॉडी पे। अगेन अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो टोटल चार्ज जितना पहले फर्स्ट बॉडी पे था या चार्ज बॉडी पे था, आधा आधा दोनों पे रह जाएगा अगर आइडेंटिकल हैं तो। अगर नहीं है तो अगेन हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि फाइनल चार्ज कितना कितना होगा। तो हम ये पूरे चैप्टर में अज्यूम करेंगे कि बॉडीज आपको जब भी दी जा रही हैं दे आर आइडेंटिकल, राइट। और फिर हमने तीसरा तरीका देखा था विदाउट कॉन्टैक्ट, विच वॉज इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या सिंपली पोलराइजेशन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और पोलराइजेशन, ये हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, हमने बेसिक इसका समझ लिया था कि एक्चुअली में होता क्या है। तो जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात की थी तो हमने केस इस तरीके से लिया था कि एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी होगी और दूसरी हमारे पास चार्ज बॉडी होगी, और हम क्या करेंगे, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आएंगे। पास लेके आना, लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं लाएंगे, यानी टच नहीं करेंगे दोनों को, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने क्या करा, अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोजर टू अ न्यूट्रल बॉडी, द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज ऑन द न्यूट्रल बॉडी रीडिस्ट्रीब्यूट्स, और इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगर आपको डेफिनेशन पसंद ना आई हो, नो प्रॉब्लम, डेफिनेशन आपसे जनरल नहीं पूछी जाती, बट स्टिल यू हैव अ डेफिनेशन। इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने क्या करा, एक चार्ज बॉडी, दिस इज द चार्ज बॉडी जिसपे नेगेटिव चार्ज इनिशियली, और दूसरी बॉडी आप देख सकते हो ये पहले न्यूट्रल थी,
लेकिन जब हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इस बॉडी के पास में लेके आते हैं, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, जो न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करके अपने पास बुला लेता है, यानी पास वाले सरफेस पे बुला लेता है, और जो सिमिलर चार्ज है उसको नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है दूसरी बॉडी में, और रिपेल करके दूर वाले सर्फेस पे पहुंचा देता है। तो इस केस में जो हमारी न्यूट्रल बॉडी थी उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, आप देख सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक सरफेस पे सारा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, दूसरे सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लेकिन एक छोटी सी बात आप यहां पे नोटिस कर सकते हैं कि अगर न्यूट्रल बॉडी पे टोटल चार्ज की अभी भी बात की जाए, टोटल चार्ज अभी भी इसके पास जीरो ही है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज अगर मिला के देखोगे अभी भी जीरो बन रहा है, यानी नेट चार्ज कोई पैदा नहीं करा हमने यहां पे, यहां पे सिर्फ चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया बॉडी के अंदर, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पहले से बॉडी के अंदर था न्यूट्रल बॉडी में उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आई थिंक इस बात को, इस पॉइंट को हम लोग सोच पाएंगे आगे से, और इस पॉइंट को याद भी रखना। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हर एक बॉडी के लिए हो सकता है, ये न्यूट्रल बॉडी किसी भी टाइप की हो सकती थी, लेकिन हम लोग जो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ओनली फॉर कंडक्टिंग बॉडीज। तो मैंने अभी तक ऐसा कभी आपको नहीं बोला कि मैं मान के चल रहा हूं ये बॉडी हमारी कंडक्टर है या इंसुलेटर है, लेकिन अभी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो ये बात याद रखना कि ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी को मैं एज्यूम करके चलूंगा दैट इट इज ऑलवेज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है। अगर कंडक्टर ना हुआ, इंसुलेटर हुआ, तो उस केस में भी इंडक्शन होता है, लेकिन उसको हम अभी स्टडी नहीं करेंगे, उसको हम सेकेंड चैप्टर में जाके स्टडी करेंगे। तो फिलहाल यहां पे मैं, अगर हमारी अजम्पशन आ गई दैट द न्यूट्रल बॉडी इज कंडक्टर, इट इज नॉट अ कंपल्शन, लेकिन हम जो केसेस पढ़ने वाले हैं उनमें हम इसी केस की बात करने वाले हैं। अगर कंडक्टर ना हुआ तो भी हो सकता है, लेकिन उस केस को बाद में डिस्कस किया जाएगा, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, राइट। इंडक्शन में हम लोगों ने एक और बात नोटिस करी, और आप जरा पॉज करो वीडियो, उसके बारे में पहले ध्यान से देख लोगे इंडक्शन क्या होता है, और उसके बाद में इसे सुनना ये बात। आपने खुद भी ये बात नोटिस कर ली होगी, इंडक्शन में बॉडी पे कोई नेट चार्ज नहीं आ रहा। तो अगर मैं न्यूट्रल बॉडी की बात करूं तो उस पर टोटल चार्ज अभी भी जीरो है, उसको चार्ज नहीं बोला जा सकता, हालांकि एक सरफेस से पॉजिटिव और दूसरे सरफेस से नेगेटिव चार्ज आ गया उसके। तो कुछ ऐसा करना है जिससे कि वो बॉडी परमानेंटली चार्ज हो जाए, या उस पर कुछ टोटल चार्ज आ जाए, नेट चार्ज कुछ आ जाए, उसके लिए मुझे क्या करना है उसकी हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन देखा या पोलराइजेशन देखा, उससे परमानेंटली चार्ज कैसे करेंगे वो हमने नहीं देखा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो माइंड दिस, इंडक्शन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, पोलराइजेशन इंडक्शन एक ही बात है, उसको हम पढ़ चुके हैं, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन जाना, लेकिन उससे बॉडी परमानेंटली चार्ज नहीं हुई। परमानेंटली चार्ज कैसे करें इंडक्शन से, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए थोड़े से स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स को फॉलो करने से पहले एक छोटी सी बात है जो हमें याद रखनी पड़ेगी, ये एक्चुअली समझने वाली बात है, इसको हम यूज करेंगे, तो मैं इसको नोट में लिखना चाहूंगा। हमने काफी ज्यादा तरीके से देख लिया कि बॉडीज को चार्ज कैसे किया जाता है, अभी एक तरीका ऐसे भी देखेंगे जिससे बॉडीज को डिस्चार्ज किया जाता है। तो चार्जिंग हम देख रहे हैं और देखने भी वाले हैं, लेकिन डिस्चार्जिंग की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। ये डिस्चार्जिंग क्या होता है, आप समझ सकते हो चार्जिंग का कॉन्ट्रेरी है या उसका ऑपोजिट है। चार्जिंग में हम क्या कर रहे थे, बॉडी पे कुछ नेट चार्ज लेके आ रहे थे, अभी डिस्चार्जिंग में क्या होगा, जो बॉडी पे पहले से नेट चार्ज होगा उसको हटा देंगे और बॉडी को न्यूट्रल बना देंगे। तो पहले हम न्यूट्रल बॉडी पे कुछ चार्ज लेके आ रहे थे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो चार्ज बॉडी है उससे चार्ज को हटाने का देखेंगे, हटाते कैसे, दैट इज डिस्चार्जिंग। अगर डिस्चार्जिंग की बात करें तो इस केस में चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बनाना है, डिस्चार्जिंग चार्ज बॉडी इसको करेंगे न्यूट्रलाइज, या इसको करेंगे न्यूट्रल। तो अब इसको न्यूट्रल बनाने के लिए क्या तरीका हमारा, तो सिंपल स्टेप है, क्या करेंगे हम, कनेक्ट द चार्ज बॉडी टू अ कंडक्टर एंड देन द अदर एंड ऑफ कंडक्टर, द अदर एंड ऑफ कंडक्टर
इज कनेक्टेड टू अर्थ? दिस इज कॉल्ड अर्थिंग, इसको अर्थिंग बोलेंगे हम। तो अर्थिंग हम लोगों ने पहले भी सुना हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इसका सिंपली मतलब है कि लेट्स से यू हैव अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी और इसको आपको डिस्चार्ज करना है या न्यूट्रलाइज करना है। तो इसको न्यूट्रलाइज किस तरीके से करेंगे? वो कहता है इसको एक कंडक्टर से कनेक्ट करो। तो लेट्स से कंडक्टिंग वायर है, मैंने उस वायर से कनेक्ट किया और जो वायर का दूसरा एंड है उसको हम कनेक्ट कर देंगे अर्थ से। अर्थ मीन्स ग्राउंड से, उसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो बॉडी में नेगेटिव चार्ज है सारा, ये नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट गेटिंग ट्रांसफर टू अर्थ। ये इलेक्ट्रॉन्स अर्थ की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे और एक समय पे ये बॉडी हमारी कंप्लीटली कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इसके पास कोई चार्ज नहीं बचेगा, इट विल बिकम न्यूट्रल। बट माइंड दिस, एक चीज और यहां पे ध्यान रख सकते हैं हम लोग, वो ये अर्थ में बार बार क्या है, सिंबल यूज कर सकते हैं। बार बार अर्थ लिखने की बजाय सिंबल इस तरीके से होगा, तो दिस इज द सिंबल फॉर अर्थिंग, वी कैन यूज दिस सिंबल। तो अगर आप ग्राउंड नहीं भी लिखोगे, सिंबल इस तरीके का सिंबल ड्रॉ कर दोगे, इट ऑल्सो मीन्स कि हमने अर्थिंग कर दिया इसका। तो यहां भी हम चाहते तो अर्थ लिखने की बजाय ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, नो इश्यूज, वी कैन ड्रॉ दिस सिंबल, राइट। तो ये हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए देखा। नेगेटिवली चार्ज बॉडी से सारे इलेक्ट्रॉन्स अर्थ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। कब तक ट्रांसफर होते रहेंगे? तब तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक आपकी बॉडी न्यूट्रल ना हो जाए। तो फाइनली बॉडी न्यूट्रल बन जाती है इसमें, राइट। अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी की जगह पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो उस केस में भी अर्थिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो लेट्स से वी हैव अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और हम इसको अगर अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो दिस इज द सिंबल फॉर अर्थिंग। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अगर अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो अगेन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ में चला जाएगा। कब तक जाता रहेगा? जब तक बॉडी हमारी न्यूट्रलाइज ना हो जाए, और उसके बाद हम लोग ये वायर हटा सकते हैं। सो द बॉडी बिकम्स न्यूट्रलाइज्ड। लेकिन इसमें एक छोटी सी कन्फ्यूजन आती है कि सर पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन्स है, क्या प्रोटॉन्स वाकई मूव करके आपके अर्थ में जाएंगे? तो हम लोगों को पता है प्रोटॉन्स जो है वो मूव करके अर्थ में नहीं जा सकते। तो होता क्या होगा, होता ये होगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते होंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसफर करते हैं हमारी बॉडी पे, और तब तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक कि इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज ना कर दें, और उसके बाद कोई ट्रांसफर नहीं होगा एंड फाइनली आर बॉडी बिकम्स न्यूट्रल। फाइनली हमारी बॉडी न्यूट्रल बन जाएगी। तो अर्थिंग जो है ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप किसी बॉडी को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। ये तरीका आपके घरों पर भी इस्तेमाल होता है, जो हम लोगों ने देखा होगा, जो हमारा 3 पिन होता है उसमें जो टॉप वाला पिन होता है वहां पे आपकी अर्थ पावर कनेक्टेड होती है, विच इज मूविंग अल्टीमेटली टूवर्ड्स दी अर्थ। तो उसका भी यही काम है कि अगर कोई चार्ज बॉडी पे आ जाता है किसी मेटल बॉडी पे, तो उस चार्ज को हटाने का काम उसी अर्थ वायर का, उसको वो बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देता है। फॉर एग्जांपल आपकी मेटल बॉडी कूलर्स वगैरह की होती है, वो उससे जो भी मान लो चार्ज लीक होके अगर सरफेस पे आ जाए तो वो अर्थ वायर के जरिए आपका जमीन में पहुंचा दिया जाता है, ताकि आपको इलेक्ट्रोक्यूशन से बचाया जा सके। खैर, नाउ वी नो व्हाट इज अर्थिंग। अभी हम देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, लेट्स कम बैक। तो नोट अभी खत्म कर देते हैं हम लोग, चार्जिंग बाय इंडक्शन, लेट्स कम बैक टू दैट। तो इंडक्शन के जरिए किस तरीके से चार्ज करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्टेप्स की हम स्टेप्स की फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोजर टू अ न्यूट्रल बॉडी। तो एक चार्ज बॉडी हमारी और एक न्यूट्रल बॉडी है। चार्ज बॉडी को ए बोल देते हैं, न्यूट्रल बॉडी को बी बोल देते हैं। चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आए। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अभी हम देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा न्यूट्रल बॉडी में। रीडिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, पोलराइजेशन कह सकते हो, इंडक्शन कह सकते हो, लेकिन सभी केसेस में होने क्या वाला है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये बॉडी न्यूट्रल थी, तो अभी भी न्यूट्रल है एक्चुअली, अभी इसमें क्या, बस चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। न्यूट्रल बॉडी के अंदर हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज की बॉडी जब इसके पास लेके आएंगे, तो इसके अंदर जो सारा नेगेटिव चार्ज होगा
उसको रिपेल करेगा बॉडी ए, तो बॉडी ए का चार्ज बॉडी बी के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करके दूर वाले सरफेस से पहुंचा देगा। तो लेट्स से यहाँ माइनस क्यू चार्ज था, तो ये माइनस क्यू चार्ज रिपेल करके इधर पहुंचा देगा। और अगर आपका इस साइड से नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर गया, सो दिस साइड ऑटोमेटिकली बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इस पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर गया, इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इधर पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हमारे यहाँ पे हम बॉडीज की बात कर रहे हैं, तो माइनस क्यू चार्ज था इस पे, अभी इन दोनों पे भी आप देख सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी पे भी आपका चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक तरफ प्लस क्यू एक तरफ माइनस क्यू, लेकिन बॉडी परमानेंटली चार्ज नहीं हुई। तो परमानेंटली चार्ज कैसे करें? फॉर दैट वी हैव अनदर स्टेप, थर्ड स्टेप, एंड दैट थर्ड स्टेप इज अर्थिंग ऑफ न्यूट्रल बॉडी। ये है न्यूट्रल बॉडी को अर्थ करना। तो लेट अस सी न्यूट्रल बॉडी की अर्थिंग से हमारा मतलब क्या है। तो अभी भी हम बॉडी ए यहीं पे रखेंगे, बॉडी ए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इट इज स्टिल हियर यहीं पे, और बॉडी बी जो है इसके पास में, और एक तरफ इसके पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ इसके नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये चार्जेस हैं इस पे। तो अभी हमें क्या करना है, न्यूट्रल बॉडी को अर्थ करना है। अब आपकी चॉइस है कि आप कौन से साइड को अर्थ करो, पॉजिटिव वाली साइड को भी अर्थ किया जा सकता है और नेगेटिव वाली साइड को भी अर्थ किया जा सकता है। किस बात पे डिपेंड करता है? इस बात पे डिपेंड करता है कि आप न्यूट्रल बॉडी पे फाइनल चार्ज किस तरीके का चाहते हो। अगर आप चाहते हो फाइनल चार्ज पॉजिटिव, तो उस केस में नेगेटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए, नेगेटिव चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए नेगेटिव वाली साइड को अर्थ किया जाएगा। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि फाइनल चार्ज हो वो नेगेटिव हो, तो आपको पॉजिटिव वाले चार्ज को हटाना पड़ेगा या पॉजिटिव चार्ज को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए आप पॉजिटिव वाली साइड को अर्थ करोगे। तो दैट इज अप टू यू, आपकी इच्छा है। ओके, तो अभी हमारी जो बॉडी बी थी जिसपे चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया था, अगर आपको इसे बनाना है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बनाने के लिए इसके लिए नेगेटिव चार्ज हटाना पड़ेगा, तो हम नेगेटिव वाली साइड को अर्थ कर देंगे। अगर नेगेटिव वाली साइड को अर्थ करते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो बॉडी ए में तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, लेकिन बॉडी बी के में नेगेटिव साइड को अर्थ कर दिया, तो बॉडी बी में ये साइड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन ये साइड इसमें अभी भी पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी अर्थ वायर हटा देंगे, अर्थ की जो वायर है बीच में कंडक्टर, इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना अभी बॉडी ए को नहीं हटाना, वहीं रहेगी। तो बॉडी बी हमारा, अर्थ वायर हमने हटा दी, इस तरफ प्लस क्यू चार्ज, राइट। और उसके बाद हम बॉडी ए को भी हटा देंगे। अब बॉडी ए हटा दिया तो सिर्फ बॉडी बी बचा, और बॉडी बी में कितना चार्ज है, प्लस क्यू। लेकिन पहले प्लस क्यू चार्ज सिर्फ एक सरफेस पे था, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन अभी अगर ए बॉडी का नेगेटिव चार्ज हटा दिया हमने, या ए बॉडी को ही हटा दिया हमने, तो उस केस में बी बॉडी पे जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, और वो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी पे, या आप कह लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी बी पे। सो बॉडी बी नाउ एंड्स अप विद प्लस क्यू चार्ज। सो वी कैन सी दैट नाउ बॉडी बी इज परमानेंटली चार्ज, इसको हमने परमानेंटली चार्ज कर दिया। तो आपको एक काम करना है छोटा सा, होपफुली बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो एक बार इसको दोबारा देख सकते हैं आप लोग। हमने क्या किया, सबसे पहले बॉडीज को क्लोज लेके आए, जिससे बॉडी बी जो थी वो पोलराइज हो गई, और हम लोगों को बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव वाली साइड को डिस्चार्ज करेंगे बाय अर्थिंग, और उसके बाद अर्थ वायर हटा देंगे, और फाइनली बॉडी ए भी हटा देंगे ताकि चार्ज पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सिमिलरली आप यहां पे एक काम और कर सकते थे, ठीक है, ये तो हमने तब करा टू मेक बॉडी पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाने के लिए, लेकिन इसी बॉडी को नेगेटिव बनाने के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। बॉडी बी को नेगेटिव भी बनाया जा सकता था, टू मेक बॉडी बी पॉजिटिव, बॉडी बी को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना होता, बस इतना डिफरेंस आ जाता कि आपको जो ये बॉडी है अपनी बी, इसमें पॉजिटिव चार्ज को हटाना था, तो पॉजिटिव वाली साइड को डिस्चार्ज कर देते,
पॉसिबली साइड को डिस्चार्ज करते हैं, तो उस केस में फाइनल चार्ज जो बॉडी बी पे रह जाता सिमिलरली, वो रह जाता सिर्फ माइनस क्यू। फिर हम अर्थ वायर हटा देते हमारी, अर्थ वायर के बाद हम फाइनली अपना बॉडी ए को भी हटा देते और बॉडी बी हमारी नेगेटिवली चार्ज बन जाती। तो इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं एक बार, एंड यू कैन सी कि आप इसको अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस तरीके से हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन के मेथड से, राइट? तो नाउ वी नो चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अभी मैंने एक छोटी सी बात जो पहले बताई थी उसको भी याद दिला दूं कि मैं मान के चल रहा हूँ बॉडी बी जो हमारा दैट इज अ कंडक्टर, ठीक है? तो थोड़ी सी यहाँ पे अभी मिस इंटरप्रिटेशन होंगी क्योंकि हम इंडक्टर्स सॉरी कंडक्टर्स के लिए हम काफी डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं। तो बॉडी भी हम कंडक्टर तो मान रहे हैं, कंडक्टर में थोड़ी सी बातें और भी होती हैं जो कि मैं यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कंडक्टर्स के लिए डिटेल में पढ़ेंगे तो वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो अभी उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। नाउ जब हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात कर ली है, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर अभी तक के लेक्चर्स आप लोगों ने ध्यान से सुने हैं तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, बल्कि आपको पहले से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आती हैं। यू ऑलरेडी नो दिस, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि मुझे यहाँ पे करवाने पड़ रहे हैं। तो एक बार सुनने की कोशिश करना और आप देखोगे कि ऑलरेडी ये सारी बातें आप लोगों को आती हैं, हमने जो बेसिक स्टडी किया उसकी वजह से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की अगर बात करें, और एक्चुअली पढ़ने का फायदा भी यही है, आप देखो अगर तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टडी करने का यही फायदा है कि चीजें जब हम डेफिनेशंस की फॉर्म में लिखें या हम लोगों को अलग तरीके से, या जो आगे मेजर कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं उन मेजर कॉन्सेप्ट्स को हम खुद सोच सकें। कॉन्सेप्ट्स बेसिक से ही बनते हैं, हम बेसिक से अगर अच्छे से पढ़ रखे हैं हम लोगों ने तो हम कॉन्सेप्ट्स खुद फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का, आप खुद इस चीज के बारे में सोच पा रहे होंगे। जैसे पहली चीज जो आती है इसमें दैट इज जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिविटी। एडिटिविटी, अब ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी क्या है? ये कहता है आपका कि अगर आपको एक बॉडी पे टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, देन द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस कैरिड बाय द बॉडी। दिस इज एक्चुअली द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट थी इसकी, दैट द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस ऑन द बॉडी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेट्स से आई हैव अ रैंडम शेप बॉडी, तो ये रैंडम है बुरा मत मानना, किसी भी शेप की ले सकते हो आप लोग, नो प्रॉब्लम। अब इस पे मान लो कई सारे चार्जेस हैं, लेट्स से एक जगह पे Q1 चार्ज पड़ा हुआ है, किसी जगह पे Q2 है, किसी जगह पे Q3 एंड सो ऑन। अब तो ऐसे n चार्जेस पड़े हुए हैं इसके ऊपर, ऐसे ढेर सारे चार्जेस के ऊपर हैं Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। और आपने बोला कि सर मुझे बताओ इस पे टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज अगर मैं डिनोट करता हूँ क्यू से, देन इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस विच एग्जिस्ट ऑन द बॉडी, दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड अप टू Qn। सारे इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा और आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। और इसमें Q1 Q2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, आई डोंट केयर। आप पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू डालना है यहाँ पे, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यू डालना, नो प्रॉब्लम, नॉर्मल सम आपको करना है। और ये आपको कुछ नया फील नहीं हो रहा होगा, ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं जब हमने पहले एटम की जो फर्स्ट लेक्चर में बात की थी और सेकंड लेक्चर में, वहां हमने देखा था कि टोटल चार्ज किस तरीके से निकालते थे हम लोग, और उसमें कोई इशू नहीं आता था, हम लोग सिंपल सम करते थे। यहां भी ऐसे ही करना है हम लोगों को। तो अभी इस केस में ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। लेकिन इससे जो कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन सोच सकते हैं आप क्या बात निकल के आ रही है, इससे निकल के सिर्फ ये आ रहा है आपका दैट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस पूरी कहानी का छोटा सा ये कंक्लूजन है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका नॉर्मल एडिशन करना है आपने। कई बच्चों को पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ऐसा फील होता है कि नहीं सर ये तो हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी की तरह देना चाहिए, बट पॉजिटिव और नेगेटिव आर जस्ट कन्वेंशन है, और उस केस में हम लोगों को डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज सिंपली अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसको स्केलर ही मान के चलेंगे हम। तो इट मेक्स आवर जॉब वेरी इजियर, चार्ज को स्टडी करना इसलिए हमारा काफी आसान हो जाता है। नाउ वी नो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एडिटिविटी, होपफुली दिस इज क्लियर। तो अभी हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी भी इट इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल, इट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो
हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कंजर्वेशन के नाम पे आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी आप लोगों ने। अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही पढ़ लेते हैं। तो कई बच्चों के मन में शायद ये डेफिनेशन आ रही होगी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? एंड दैट इज परफेक्टली करेक्ट। चार्ज को आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। परफेक्टली करेक्ट, बिल्कुल सही है। इसी चीज़ को थोड़े से डिफरेंट वर्ड से मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, तो माइंड दिस। उसने बोला इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। तो जो आप सोच रहे थे बिल्कुल वही चीज है यहां पे। एक सिस्टम पे, एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, जैसे हम लोग अभी देख ही चुके हैं पीछे हमारा इंडक्शन वाला केस। इंडक्शन वाले केस में जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हम एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आ रहे थे, तो न्यूट्रल बॉडी में क्या हो रहा था, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आता था उसके और दूसरी साइड पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आता था। लेकिन अगर ये हमारा सिस्टम है, इफ दिस इज द सिस्टम, तो इस पे अभी भी आप देख सकते हो टोटल चार्ज कितना है। पहले जब न्यूट्रल था तब भी टोटल चार्ज जीरो था, और अभी भी आप देखोगे तो इस पे टोटल चार्ज जीरो हो गया। इवन आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इंडक्शन के बाद भी इस पे टोटल चार्ज जीरो ही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये हमारा जो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड इसलिए क्योंकि इसको किसी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आए हम, तो इस पे टोटल चार्ज जो हमारा रह रहा है दैट इज सेम बिफोर इंडक्शन एंड इवन आफ्टर इंडक्शन। वो तो जब बाद में आपने अर्थिंग वगैरह करी थी वो तो फिर ये आइसोलेटेड नहीं रहा जब आपने इसकी अर्थिंग कर दी, लेकिन जब तक आइसोलेटेड है, जब तक बिल्कुल अलग से रखा गया है, तब तक इस पे टोटल चार्ज हमारा जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने बोला जब किसी चीज के साथ कॉन्टैक्ट में ना हो, लेकिन ऑब्वियसली आपकी बॉडीज हमेशा किसी ना किसी चीज के साथ कॉन्टैक्ट में होती हैं, या तो आपके हाथ के साथ कॉन्टैक्ट में होंगी, या आपने मान लो जादू कर दिया और जादू करके हवा में भी उसको किसी जगह खड़ा कर दिया, तो हवा तो कॉन्टैक्ट में रहेगी उसके साथ। तो ये आइसोलेट कर पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हम लोग यहाँ पे जस्ट बाय थिंकिंग, अपने इमेजिनेशन के जरिए बात सोच सकते हैं कि हाँ आइसोलेटेड किया जा सकता होगा, और आइसोलेट अगर कर दिया तो उस केस में नेट चार्ज उसके ऊपर कंजर्व रहने वाला है, राइट? अब जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है, थर्ड एंड ऑल्सो द लास्ट वन, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो ये शायद वर्ड आपको परेशान कर रहा होगा, डोंट वरी, बहुत सिंपल है, बल्कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो इंस्टेड ऑफ डेफिनेशन पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है और क्या हमें इस चीज का ऑलरेडी अंदाजा है कि नहीं। तो आप देखोगे आपको ऑलरेडी ये चीज आती है, जस्ट वर्ड्स आपको थोड़े से खतरनाक फील हो रहे होंगे, नथिंग मोर। तो अगर मैं क्या करता हूं, लेट्स से मेरे पास एक बॉडी है, तो लेट्स अगेन अ रैंडम बॉडी। तो बॉडी जो होती है दैट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ एटम्स। अगर बॉडी आपकी एटम से बनी है तो उसमें क्या होगा, चार्ज कैसा होगा भाई? एक तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होगा उसमें, दूसरा प्रोटॉन के पास चार्ज होगा। तो अगर बॉडी एटम से बनी है तो मैं कह सकता हूँ बॉडी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनी है, या बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, राइट? तो अगर मैं कहूँ इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं प्रोटॉन्स भी हैं, दोनों अपनी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इट ऑल्सो हैज प्रोटॉन्स। भाई ये बुरा मत मानना अगर मैं न्यूट्रॉन्स को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन न्यूट्रॉन से मुझे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो लेट अस से इट हैज एनी, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपकी बॉडी के पास, एंड एन पी दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है बॉडी के पास। तो एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन पी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इस बॉडी पे टोटल चार्ज फाइंड आउट करने की, राइट? किस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, ऑन एज्यूमिंग कि फिलहाल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है। भाई वो तो हम मानते थे कि शुरू में अगर न्यूट्रल है, अगर कोई ट्रांसफर नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम मानते थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे, जो जनरली एटम में होता है। लेकिन यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि हमारी बॉडी जो है इस पे नेट चार्ज जीरो नहीं है, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर नहीं है। उस केस में अगर मैं इस पे देखना चाहूं कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो लेट अस ट्राई टू सी। तो अगर हम देखेंगे इस पे,
टोटल चार्ज को मैं डिनोट कर रहा हूं यहां पे क्यू से, तो क्यू डिनोट्स टोटल चार्ज फॉर अस। और ये क्या होगा, ये होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, सारे प्रोटॉन्स का चार्ज मिला के और सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिला के, ठीक है। तो अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपसे पूछूं कितना होगा, तो मुझे पता है यहाँ एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन ई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है माइनस टू ई, तीन इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस थ्री ई, और एनी इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस एनी इंटू ई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सिंपली अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ई के साथ, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 के माइनस 19, तो हम लोगों को सारा इलेक्ट्रॉन्स का मिल जाता है चार्ज। और ऐसे अगर टोटल चार्ज देखें प्रोटॉन्स का, तो एक प्रोटॉन पे हमें चार्ज पता है प्लस ई, दो प्रोटॉन्स पे प्लस टू ई, तीन प्रोटॉन्स पे प्लस थ्री, एंड एन पी प्रोटॉन्स पे प्लस एन पी इंटू ई, राइट। तो यहां पे हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आई थिंक ई कॉमन लिया जा सकता है, और अगर हम लोगों ने ई कॉमन लिया तो ये बचेगा माइनस ऑफ एन ई प्लस एन पी, या इसको लिख सकते हैं एन पी माइनस एन ई, राइट। दिस इज टोटल चार्ज क्यू, ये टोटल चार्ज क्यू है। तो यहां पे अगर मैं एन पी और एन ई की बात करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे विल ऑलवेज बी होल नंबर, दे विल ऑलवेज बी होल नंबर्स, या यू कैन कॉल दम इवन दे विल ऑलवेज बी होल नंबर्स। एन पी आपको हमेशा होल नंबर मिलेगा, एन ई भी आपको हमेशा होल नंबर मिलेगा। तो अगर ये होल नंबर्स और दो होल नंबर्स का अगर आप डिफरेंस देखोगे, या दो सिंपली अगर नंबर्स का आप डिफरेंस देखोगे होल नंबर्स का, इट विल ऑलवेज एंड अप टू बी एन इंटीजर, ये हमेशा एक इंटीजर होगा। तो दिस एन पी माइनस एन ई, लेट दिस एन पी माइनस एन ई इक्वल्स टू एन, सो दिस एन इट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, ये एन हमेशा इंटीजर होने वाला है, राइट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्यू इक्वल्स टू ई इंटू एन, एन पी माइनस एन ई की जगह एन लिख सकते हैं, या क्यू इक्वल्स टू एन ई। तो ये एन जो है एक इंटीजर है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा आपको मिलेगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, जो हमने अभी आपके सामने प्रूफ किया, ठीक है। तो इसका मतलब भी हम देखेंगे और क्लियरली, लेकिन ये आप देखो, ये आपने अपनी सोच से बात निकाली है, और इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है, दैट टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी चीज पे इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, तो कुछ इसमें नया फील नहीं हो रहा होगा, इट इज क्वाइट सिंपल, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसका थोड़ा सा मतलब भी देख लेते हैं, अगर एन एक इंटीजर है तो चार्ज की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। चार्ज की वैल्यू हो सकती है आपकी सबसे छोटी वैल्यू प्लस वन ई या माइनस वन ई, जीरो के बाद अगर हम देखें तो चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी जब एन प्लस वन या माइनस वन होगा, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो उस केस में चार्ज प्लस वन ही या माइनस वन ही हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो वैल्यू में मिलेगी इसकी, वो तब जब एन को टू डालेंगे, प्लस टू ई या माइनस टू डाल दोगे माइनस टू ई, फिर मिलेगी आपको प्लस थ्री ई या माइनस थ्री ई। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि चार्ज जो है उसकी जो जो वैल्यूज नेचर में पॉसिबल हैं वो है प्लस वन ई और उसके बाद सीधा प्लस टू ई, इनके बीच में जो सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो चार्ज की वैल्यू नहीं हो सकती। तो प्लस वन ई का मतलब है प्लस वन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और प्लस टू ई का मतलब है प्लस टू इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में और बहुत सारे रियल नंबर्स आते हैं, जैसे 1.1e, 1.2e, 1.3e, 1.4e, एंड ऐसे इनफाइनाइट रियल नंबर इन दोनों वैल्यूज के बीच में एग्जिस्ट करते होंगे। लेकिन ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको कहता है कि ऐसा चार्ज
जो इन दोनों वैल्यूज के बीच में है वो नेचर में आपको नहीं मिलेगा। तो 1.6 इंटू 10 की और माइनस 19 और ये 3.2 इंटू 10 की और माइनस 19, इनके बीच की जो सारी वैल्यूज हैं रियल नंबर्स, वो चार्ज आपको कभी नहीं मिलेगा नेचर में। दैट इज परफेक्टली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है आपका। तो यानी चार्ज हमेशा डिस्क्रीट वैल्यूज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस नहीं है। यानी हर एक वैल्यू की चार्ज आपको नेचर में नहीं मिलेगा, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ चार्ज ही आपको नेचर में मिल सकते हैं। दैट इज वट दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज गिव्स अस। तो चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट वैल्यूज इंस्टेड ऑफ बींग अ कॉन्टिन्यूस। तो ये थोड़ा सा ना परेशान करने वाली चीज है, ठीक है। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा काम आसान कर देता हूं, ओके। आसान किस तरीके से, मैंने बोला कि चार्ज जो है इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, लेकिन जिस लेवल पे हम लोग बात करते हैं उस लेवल को क्या बोलते हैं, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो चार्ज जो होता है आपको इतना छोटा चार्ज नहीं मिलेगा नेचर में, आप मतलब इतने छोटे चार्ज से डील नहीं करोगे। 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 रेंज वाले चार्ज से डील नहीं करते हम लोग। हम लोग जो डील करते हैं वो चार्जेस होते हैं, वी डील विद आइदर माइक्रो कूलम्ब जो कि होता है आपका 10 की पावर माइनस 6 कूलम्स, या मिली कूलम्ब जो कि होता है 10 की पावर माइनस 3 कूलम्स। तो हम जो चार्ज डील कर रहे हैं वो 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 3 कूलम्ब है, और जिसकी बात हमने ऊपर करी है यहां पे आप 10 की पावर माइनस 19 की रेंज में बात कर रहे थे। तो 10 की पावर माइनस 19 रेंज जो बहुत छोटी रेंज होगी, माइक्रोस्कोपिक लेवल हो गया, लेकिन जब मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हो और हमें इतने बड़े बड़े चार्जेस मिलेंगे कंपैरेटिवली, तो इतने बड़े चार्जेस पे आप ये ज्यूम कर सकते हो दैट चार्ज इज कॉन्टिन्यूस, चार्ज कॉन्टिन्यूस है, यानी हर वैल्यू चार्ज की एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आप कह सकते हो कि 1 माइक्रो कूलम भी नेचर में एग्जिस्ट करता होगा और 1.1 माइक्रो कूलम भी नेचर में एग्जिस्ट करता होगा, बोथ चार्जेस एग्जिस्ट इन नेचर। बल्कि मैं ये बोल सकता हूं कि 1.01 माइक्रो कूलम भी नेचर में एग्जिस्ट करता होगा बिना सोचे समझे, क्योंकि हम बहुत मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। और अगर आपको फिर भी मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं होता तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा मैं, ये मैं आपके सिर्फ जो भी आपके दिमाग में कुछ बातें आती हैं, अगर आप ज्यादा सोचते हो या आप ज्यादा डेप्थ में जाना पसंद करते हो तो उस केस में आप इस चीज के बारे में सोच सकते हो। और आप देख सकते हो अगर 1 माइक्रो कूलम आप लेते हो और इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर आप क्यू इक्वल्स टू एनी चार्ज बिंग 1 माइक्रो कूलम, ई होता है 1.6 इंटू 10 के आर माइनस 19, उससे अगर आप एन की वैल्यू निकालोगे तब भी इंटीजर आएगा। सिमिलरली ये फॉर्मूला लगाओगे क्यू इक्वल्स टू एनी फॉर 1.1 माइक्रो कूलम, क्यू को 1.1 माइक्रो कूलम लेके जब एन की वैल्यू निकालोगे वो भी इंटीजर आएगा, और अगर 1.01 माइक्रो कूलम लोगे क्यू और उससे एन की वैल्यू निकालोगे तो वो भी आपका इंटीजर ही आएगा। तो हम बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये जो था दिस वाज द कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन देखोगे आप ज्यादा आपसे कभी डिस्कस नहीं किया जाएगा बहुत ज्यादा स्कूल्स में या एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में बातें नहीं पूछी जाती। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो आपने कितने अच्छे से सुना है और कितने अच्छे से आप इसको सोच रहे हैं, खुद इस पर अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे मैंने ये बात आपको बताई। अगर आप चाहें तो इसके बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो पहले वाले टॉपिक में थोड़ा सा मैं फास्ट चला क्योंकि वो ऐसी चीजें थी जो हम ऑलरेडी जानते थे, लेकिन अभी हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट ऐसे टॉपिक पे आ गए जिसपे हमें न्यूमेरिकल्स के साथ डील करना पड़ेगा। पहले भी हमने न्यूमेरिकल देखे लेकिन दीज आर वो बहुत सिंपल थे, अभी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हम लोग देख पाएंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। सो नाउ द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज इंट्रोडक्शन टू कूलम्स लॉ। टॉपिक तो कूलम्स लॉ ही है, मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए बोला क्योंकि अभी इस लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी बात करूंगा इसकी, और इसको काफी डिटेल में जाके हम लोग स्टडी करेंगे आगे वाले लेक्चर में। इंट्रोडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम लॉ, कूलम जो थे साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, अगर आपने फ्रिक्शन ध्यान से पढ़ा तो फ्रिक्शन में इनका थोड़ा सा योगदान रहा है। और अभी यहां पे कूलम ने क्या बोला, कूलम ने बोला कि हमें पता है कि दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करती हैं, राइट, वी नो दैट, शुरू से उसी की बात करके आ रहे हैं, उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बताना, दैट इज डन बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ वो बात हमें बताता है। तो कूलम लॉ आपको क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस,
लेट से आर, तो ये दो चार्जेस चार्ज बॉडीज हैं, एक पे चार्ज है क्यू वन, एक पे चार्ज है क्यू टू, क्यू वन एंड क्यू टू। अब मुझे नहीं पता चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, आई डोंट केयर। वो कहते हैं दोनों बॉडीज जो हैं, इन दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे अगर दोनों पे चार्ज है तो, और एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पे हैं ये, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बताना चाह रहा है आपको। तो कूलम लॉ ने सिंपली ये बात बोली दैट टू चार्ज बॉडीज एग्जर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर विच वेरीज एज इनवर्स ऑफ स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। एंड इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, स्टेटमेंट का मतलब है कि जो बॉडीज पे एक दूसरे फोर्स एग्जर्ट कर रही है वो फोर्स एक तो एग्जर्ट करेंगी वो उस लाइन के अलॉन्ग जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है, यानी जो मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा, या तो दोनों एक दूसरे के इसी लाइन के अलॉन्ग पास जाएंगे या इसी लाइन के अलॉन्ग दूर जाएंगे, राइट। ऐसा कूलम बोलता है, और उसने बोला जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड ही ऑल्सो सेड दैट दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको कई बार इनवर्स स्क्वेयर लॉ भी बोलते हैं कि फोर्स आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस है, और ये आपने शायद पहली बार नहीं देखा होगा इनवर्स स्क्वेयर लॉ। अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो कंबाइन करके हम लोगों को मिलता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ है। और अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें हम लोग तो आप देखोगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जा सकता है, और हटाने पे कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम के बोलते हैं। तो कब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे उसको रिप्लेस किया जाता है इक्वालिटी के साइन के साथ और एक कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो दिस के इज कांस्टेंट बट इट इज मोर, इट एक्ट्स मोर लाइक अ कोफिशिएंट। तो देखते हैं जरा एक्चुअली इसका मतलब क्या है। के जो है दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच द बॉडीज आर प्लेस्ड। तो जिस मीडियम में बॉडीज प्लेस करी हैं उस मीडियम पे इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, राइट। और अगर मैं के की आपको वैल्यू बताना चाहूँ, ठीक है, वैसे तो हमें समझ में आ रहा होगा कि भाई ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, हमें के की वैल्यू नहीं बताई लेकिन अभी तक। तो के जो होती है इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर एयर और वैक्यूम। अगर बॉडीज एयर या वैक्यूम में रखी हैं तो, जो कि जनरली आपको केस मिलेगा, इसीलिए के की इस वैल्यू ये हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे, इवन आपको एग्जाम में दी जाएगी फिर भी हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो जो फॉर्मूला हमारा बनता है एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका यूज किया जा सकता है फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो दिस इज गिवन टू अस बाय कूलम्स लॉ, और उसने ये भी बताया कि जो फोर्स एक्ट करेगी वो जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगी। लेकिन अभी भी हम लोगों ने
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इसकी नहीं हुई। इवन मैंने आपको के की वैल्यू बताई भी, लेकिन ये के हम और ज़्यादा इसको डिस्कस करने वाले हैं, ये के एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है और डिफरेंट मीडियम में इसकी वैल्यू किस तरीके से बदलने वाली है। और इस के को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इवन दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी तक हमने जो बात करी सिर्फ इंट्रो लिया कूलम्स लॉ का, कंप्लीट स्टडी अभी नहीं करी कूलम्स लॉ की, उसको नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे छोटे से 2-3 क्वेश्चन है, इन 2-3 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। सो दीज आर द क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बेसिकली दिया हूँ मैं। तो इन तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, यू कैन ट्राई टू सॉल्व देम, और एक न्यूमेरिकल है, बाकी 2 थियरी क्वेश्चन हैं। ट्राई टू सॉल्व देम बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।